इंडियन बाइक्स ड्राइंग 3D गेम के अंदर गाइस आ गया एक भाई काफी ज्यादा खतरनाक वाला स्कूल। एक और खूबसूरत सा दिन है गाइस और सुबह सुबह भाई मैं अपनी साइकिल लेके आया था अपना ओल्ड वाला हाउस देखने। हाँ भाई ऐसे ओल्ड वाला हाउस देखने आया था मैं, काफी ज्यादा दिन हो गए भाई देखे, इसीलिए भाई आज मैंने मस्त ओल्ड वाला हाउस देखा। उसके अलावा भाई तुम लोग मेरी साइकिल देख रहे हो, साइकिल का कलर भी वाइट, मेरे शर्ट का कलर भी वाइट। वैसे शर्ट कहाँ पर है भाई, एक सेकेंड भाई, यहाँ पर ये क्या सीन है भाई। तो गैस यहाँ पर भाई तुम लोग देख सकते हो ये कुछ भी देखने में स्कूल बस लग रही है भाई। इसका ओनर शायद से ये क्या भाई, इससे बातचीत करते हैं भाई। स्कूल कब से स्टार्ट हो गया भाई अपनी सिटी के अंदर? हेलो सर जी भाई ये बस कब से स्टार्ट हुई भाई अपनी सिटी के अंदर? ओके गैस फाइनली भाई बात हो गई हमारी। और गैस ये बंदा बोल रहा है कि अपनी सिटी के अंदर भाई स्कूल स्टार्ट हो गए, यानी कि भाई अपनी सिटी के अंदर अपना जो कि भाई इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D है उसके अंदर भाई आ गया स्कूल। और भाई काफ़ी सारे बच्चे पढ़ने भी जा रहे हैं। तुम लोग देखो भाई ये है कुछ भाई स्कूल की बस जिसके अंदर भाई काफ़ी ज़्यादा भाई बच्चे जाते हैं। तो मैं क्या सोच रहा हूँ गैस हम लोग भी चलते हैं आज। तो गैस यहाँ पर फाइनली आ गया हूँ मैं अपने बैग शॉप पे। यहाँ से गैस कुछ खरीदते हैं अच्छी सी ड्रेस हमारे लिए और भाई एक बैग खरीद लेते हैं। तो गैस यहाँ पर मैंने मस्त सी ड्रेस और बैग भी खरीद लिया। मैं ड्रेस खरीदना भूल गया, मैं बोल ही रहा था भाई ड्रेस खरीदना है और भूल ही गया। तो गैस यहाँ पर फाइनली मैंने ड्रेस भी खरीद ली है, इसी वाले बैग के अंदर मस्त रख दिए। मस्त गैस हमने ड्रेस तो खरीद लिए, पर वेट ए सेकेंड गैस हम लोग भाई काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। तो भाई एक काम करते हैं, हम लोग भाई स्टूडेंट नहीं बनते हैं, हम भाई टीचर बनते हैं। वैसे भाई टीचर बनने में भाई उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, काम करते गैस स्टूडेंट बनते हैं। अबे भाई एक बार मेरे को स्कूल के अंदर तो जाने दो, उसके बाद तो भाई टीचर स्टूडेंट जो भी अपने मन के अंदर आएगा भाई वो बन जाएंगे। पर उससे पहले गैस यहाँ पर मेरे पास लिटरली पैसे नहीं है, यानी कि फीस का एक रुपया नहीं है मेरे पास, और मैं सोच रहा हूँ भाई स्कूल जाने के लिए। तो गैस यहाँ पर मैं शोरूम पे आ गया हूँ, यहाँ से गैस शायद कुछ पैसों का जुगाड़ हो जाएगा, यानी कि तुम लोग समझ रहे हो भाई मैं क्या करने वाला हूँ। तो गैस यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो ये है कुछ भाई R15, तो इसी को गैस इसी वाली बाइक को भाई हम लोग चोरी करने वाले हैं और फिर बेचने वाले हैं। अबे भाई चोरी का नाम लिया और भाई ये लोग कहाँ से आ गए भाई अचानक से, फटाफट से इनको मारना पड़ेगा। अबे हट जा भाई। तो यहाँ पर दो लोग भाई अचानक से पता नहीं कहाँ से टपक गए, तो उन दोनों को भी मैंने मस्त सा निपटा दिया है। अभी गैस जल्दी से अपनी गाड़ी लेके चलते हैं और भाई इस वाली गाड़ी को बेच के अपने स्कूल का फीस का जो कि भाई उसका जुगाड़ तो ईजी हो जाएगा। तो जल्दी से चलते भाई इसको बेचते भाई किसी अच्छे खासे आदमी को। ऑलराइट गाइस यहाँ पर भाई सामने तुम लोग देख सकते हो ये कुछ भाई मेरा दोस्त है। तो गाइस इसको बाइक की भाई सख्त ज़रूरत है और इसने भाई मुझे मस्त से पैसे भी दे दिए। तो गाइस ये बोल रहा है कि भाई तेरे को थोड़े से कम पैसे दूंगा, पर भाई मैंने एक दो चमाट मार के भी पूरे पैसे ले लिए। और भाई मैंने ऐसे थोड़ी बोला भाई ये बाइक मैं चुरा के लेके आया हूँ, नहीं भाई ऐसे मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला। ऐसा बोला है कि भाई अभी ब्रांड न्यू खरीदी थी मैंने और मुझे भाई उतना ज़्यादा इसको चलाने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए भाई तू ले ले, ऐसा कुछ बोला मैंने। ओके गैस वो सब छोड़ो, अभी फाइनली हम लोग आ गए अपने घर पे और अभी आज का तो भाई हमारा सारा काम हो गया है, यानी कि अभी हम लोग बस भाई लास्ट काम बाकी है वो ही अपना भाई स्कूल के अंदर फ़ोन लगा देते एक बार और बोल देते कि भाई अपना एडमिशन करना है वहाँ पर। तो बात करते भाई स्कूल के प्रिंसिपल से। ऑल राइट गैस मैंने भाई प्रिंसिपल को कॉल किया था और भाई वो अलग ही सो रहा था भाई, दिन में कौन सोता है। तो गैस बातचीत हो गई हमारी उससे और वो बोल रहा है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, आप स्टूडेंट बन सकते हो, यानी कि हम बड़े हैं तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारा भी एडमिशन हो जाएगा। ओके गैस अभी कुछ बजी है भाई रात की भाई 9:30, काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं हुई, मतलब कि रोज मैं भाई सो जाता हूँ इसी टाइम पर। तो गैस आज जल्दी से सो जाते हैं क्योंकि भाई कल सुबह भाई हमको जाना है स्कूल, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आज मैं सो जाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा भाई सही नींद आएगी। ऑल राइट गाइस सुबह हो गई है भाई, मस्त खूबसूरत सा दिन है। करो सुबह सुबह भी जिम करने में अलग ही मज़ा आता है। पर अभी गाइस तुम लोगों को याद है ना आज हम लोग जाने वाले हैं कुछ स्कूल, आज मस्त सी हमारे घर के सामने आने वाली है स्कूल बस। हाँ भाई हमको स्कूल बस लेने के लिए आएगी। तो सबसे पहले भाई सुबह सुबह नहा लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा सही ठंडा ठंडा पानी है, मस्त भाई ठंडे ठंडे पानी से नहा लिए भाई। अभी गैस एक काम करते हैं जल्दी से भाई अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनते हैं,
ऐसे भाई स्कूल की यूनिफॉर्म है भी या नहीं मेरे पास, लाया था भाई लास्ट टाइम में, तो इस यहाँ पर मैंने बैग ले लिया मस्त सा, स्कूल यूनिफॉर्म भी भाई इसके अंदर ही है, पहन लेंगे भाई बाद में। अभी कैसे काम करते, बस के आने का इंतज़ार करते हैं, वेट भाई बस का इंतज़ार नहीं करते, बस फाइनली गए, तुम लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, बस भाई आ गई है, बस रेडी है, मैं भी रेडी हूँ, सब रेडी हैं, तो फटाफट से चलते स्कूल। अभी गए हमारे अलावा भाई बहुत ही सारे बच्चे आते भाई, ऐसा कुछ भाई बोला था स्कूल के प्रिंसिपल ने। अभी देखते भाई अपनी सीट से कौन कौन जाता है, मुझे तो भाई कुछ भी पता नहीं है कौन कौन आता है, बस मैं तो भाई ऐसे ही मन किया स्कूल जाना है तो बस जाना है भाई। आज गए हम लोग देख लेंगे भाई स्कूल कैसा है अपना, सिटी का कैसा कुछ एक्सपीरियंस रहता है अपना, सब कुछ पता चल जाएगा। फाइनली अभी तो मैं बस के अंदर बैठ गया हूँ, थोड़ा भाई डर सा लग रहा है क्योंकि फर्स्ट दिन है अपना स्कूल के अंदर, ऐसे डरने की क्या ज़रूरत है भाई, हम लोग भाई बिल्कुल भी नहीं डरने वाले, साथ में भाई गन्स लेके आया हूँ। तो भाई सब गलती से गई इसमें गन्स लेके आ गया हूँ, अबे भाई ये तो भाई गलत बात हो गई भाई, गन्स लेके आ गया मैं गलती से, काम करेंगे भाई रास्ते में फेंक वेंक के चले जाएंगे। वैसे भाई मुझे पता नहीं था क्योंकि भाई अपनी सिटी के अंदर भाई हर टाइम हमारे पास गन्स रहती थी, तो भाई मैं लेके आ गया बस में साथ में। तो वैसे तुम लोग देख सकते हो भाई ये ड्राइवर भाई अलग ही नमूना आदमी है, भाई सा पेड़ वेड़ क्यों उखाड़ रहा है भाई तू, अलग ही भाई अंधा होकर चला रहा है भाई, दारू वारू पी के तो नहीं आया है। ओके गाइस यहाँ पर तुम लोग देख ही सकते हो ऐसे कुछ भाई ये बच्चों को पिकअप करता है और भाई बैठाता है अपनी बस के अंदर, और ये सब बच्चे अपनी सिटी से कुछ स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर अभी तक तो भाई 5-6 बच्चे ही बैठे हैं, काफ़ी ज़्यादा सही। बाय द वे गाइस तुम लोगों ने भाई अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दो भाई, और चैनल पर पहली बार आए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी भाई यहाँ से किसी को लेना है क्या। अरे गाइस यहाँ पर सारे बच्चों को भाई इसने बिठा लिया है बस के अंदर, अभी बस सीधा रुकने वाली है स्कूल के अंदर, तो गाइस अभी सीधा भाई बस स्कूल के अंदर ही रुकेगी, तो भाई चलो फुल स्पीड दो भाई, भाई इतना धीरे कौन चलाता भाई, तू नीचे उतर भाई मैं चलाऊँगा। भाई साहब यहाँ पर भाई मान ही नहीं रहा है बात को, थोड़ा सा तो तेज़ चला ही सकता है भाई तू एटलीस्ट, वाह भाई अलग ही नशे में चला रहा है। बस छोड़ो भाई अभी स्कूल के अंदर भाई सारे बच्चे बैठे हैं मतलब कि बस के अंदर, इसीलिए भाई ये बस धीरे चलाता है। ऑल राइट गाइस यहाँ पर भाई फाइनली तुम लोग देख सकते हो ऐसा कुछ भी अपना स्कूल, स्कूल का नाम है भाई वर्चुअल स्कूल, और तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो भाई ऐसे कुछ भाई स्टडी वगैरह होती है यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसे कुछ बच्चे वगैरह पढ़ते हैं, ऐसा कुछ भाई यहाँ का टीचर है, उसके अलावा ये कुछ बच्चे वगैरह दौड़ रहे हैं यहाँ पर, मस्त भाई प्लेग्राउंड है खेलने का फुटबॉल, उसके अलावा भी बहुत ही सारी चीज़ें हैं, तो सब मैं तुम लोगों को बताऊंगा, बाकी ये सब कुछ भी अपने सिटी का स्कूल। तो ऑल राइट गाइस फाइनली हम लोग आ गए फर्स्ट डे अपना स्कूल के अंदर, जल्दी से गए स्कूल के अंदर चलते फटाफट से। हेलो भाई कैसा है, अलग ही भाई यहाँ पर बच्चे लोग घूम रहे हैं, तो चलो भाई जल्दी से अंदर चलते हैं, लेट्स गो भाई। यहाँ पर कुछ बच्चे लोग भाई पता नहीं क्या ही देख रहे हैं, तो जल्दी से गए अपना क्लासरूम देखते भाई अपनी कौन सी क्लास के अंदर बैठना है आज। तो ऐसे आज हम लोग भाई स्टूडेंट बने, तो भाई फिर कभी हम लोग टीचर भी बनेंगे, अभी गए हम लोग टीचर वीचर नहीं बन सकते हैं क्योंकि भाई अभी टीचर बहुत ही सारे पहले इस स्कूल के अंदर, और मुझे भाई पढ़ाना वढ़ाना नहीं आता है, तो गाइस यहाँ पर कुछ बैठना है। ओके गाइस यहाँ पर मैं बैठ गया हूँ, अभी गाइस टीचर कुछ हमसे भी क्वेश्चन वगैरह पूछने वाला है, तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो 1+2 बराबर 3 भाई इजी है। अभी गाइस नेक्स्ट है 9+4 कितना होता है भाई, 9+4 बराबर 30 भाई बिल्कुल सही। नेक्स्ट है 7+8, तो 7+8 बराबर 50 बिल्कुल सही। नेक्स्ट है 5+3 बराबर कितना होता है भाई, 7 कहाँ पर होता है, 8 बिल्कुल सही। तो गाइस यहाँ पर आज का भाई हमारा हो गया है, ये कुछ क्वेश्चन हमें भाई बताने थे जो कि भाई हम लोगों ने भाई बिल्कुल ये इजी तरीके से बता दिए, काफ़ी ज़्यादा मज़ा है भाई, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन थे भाई ये, तो भाई दूसरे के बच्चे पढ़ते हैं। तो इस यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो ये है कुछ भाई यहाँ पर टीचर वगैरह कुछ लेक्चर वगैरह दे रहे हैं, वैसे भाई कौन सी क्लास है भाई पता नहीं कोई सी क्लास है, यहाँ पर मस्त एक टीचर वगैरह खड़ा हुआ है और मस्त भाई बच्चों को पढ़ा रहा है, और यहाँ पर ये बच्चे अलग ही। और यहाँ पर फाइनली तुम लोग देख सकते हो ये है कुछ भाई अपनी सिटी की स्कूल की कैंटीन, यहाँ पर मस्त बच्चे वगैरह खाना वाना खाते हैं मस्त सा, और भाई काफ़ी सारे तरह का खाना है भाई ये लोग बोल रहे हैं, वाह भाई ये है कुछ गाइस कैंटीन। उसके अलावा गाइस अभी तुम लोगों को मैं बताता हूँ भाई प्लेग्राउंड के अलावा गाइस यहाँ पर मस्त भाई झूला झूला वगैरह भाई सब कुछ है। गाइस अभी भाई सबसे पहले क्या देखे भाई,
एक काम करते गाइस, एक बार एक्सप्लोर करते भाई, मुझे पता नहीं चल रहा है मेरी क्लास कौन सी थी। अच्छा यही तो थी, इसी के अंदर भी मेरे को भी आके बैठना है, याद रखनी पड़ेगी मुझे। तो गाइस अभी मैं तुम लोग कुछ बता देता हूँ यहाँ पर फुटबॉल का, वो कुछ खेलने का भाई मैदान। तो यहाँ पर गाइस तुम लोग, अबे ये लोग भाई लेगी यहाँ पर, अरे लिख लो भाई कुछ बड़ा आदमी बन जाओ। तो गाइस यहाँ पर कुछ भाई कुछ फुटबॉल का प्लेग्राउंड है, उसके सामने भाई यहाँ पर कुछ भी, ये क्या है? तो ये भी कुछ खेलने की चीज़ें बच्चों लोगों की, हम लोग भी खेल वेल सकते क्या भाई, चलते भी पास में। तो यहाँ से कुछ भाई मैं जा सकता हूँ, एंट्रेंस भाई इधर से कुछ ताने भी, ऐसा क्यों ये भाई उधर से क्यों नहीं जा सकता मैं, अलग ही भाई। अबे भाई पढ़ लो भाई तुम लोग, कितनी बार बोलूँगा मैं। तो ये देखो भाई ये बच्चे जैसे कि भाई खेल वेल रहे भाई, ये काफ़ी ज़्यादा सही बच्चे हैं। अबे भाई कितनी बार बोला है भाई पढ़ वढ़ लिख लो भाई तुम लोग, तो चलो छोड़ो ये सब। अभी गाइस ये है कुछ भाई यहाँ के प्लेग्राउंड, यहाँ पर मैं लटक सकता हूँ क्या? अबे मैं लटक पटक नहीं सकता हूँ। उसके अलावा ये कुछ भाई यहाँ पर झूले वगैरह लगे हुए हैं मस्त से, और उसके अलावा यहाँ पर सामने की साइड चलते हैं, यहाँ पर बेंच वगैरह लगी हुई है जहाँ पर गाइस आप लोग बैठ सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सही है। उसके अलावा ये गाइस कुछ स्कूल है अपना, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा अलग है, मतलब कि सिटी से बाहर है भाई, इसलिए अच्छा है क्योंकि भाई सिटी के अंदर शोरगुल काफ़ी ज़्यादा होता है। बाकी गाइस तुम लोग भाई लाइक कर देना अभी तक गाइस वीडियो को लाइक नहीं गए तो, और चैनल पहली बार है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी भी अपना टाइम हो गया घर पे जाने का, और राइट गाइस बस फाइनली भाई बच्चों को लेके घर पे आ गई है, यानी कि भाई सिटी के अंदर आ गई है। तुम लोगों को तो भाई पता ही है सिटी से बाहर है अपना स्कूल, तो चलो भाई मुझे तो अपने घर पर उतार दो भाई जल्दी से, भी घर पर जाने वाली है वैसे तो। बाकी गाइस आई होप आज की वीडियो तुम लोगों को पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं भाई किसी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, बाकी आ गया भाई मैं अपने घर पे, तब तक के लिए बाय, मज़े करो भाई।